Good evening, everyone. Today we are in the second class of statistics basics. We are going to start with the types of diagrams. As you can look over, the first is line diagram or historiogram. It means that line diagram can also be called as historiogram, then bar diagram, and then pie chart. So what is line diagram? Jab data टाइम के ऊपर वेरी करता है, 1990 में ये है, 1992 में ये है, 1993 में ये है, वी टेक रिकोर्स टू लाइन डायग्राम. इन अ सिंपल लाइन डायग्राम वी प्लॉट ईच पेयर ऑफ एक्स एंड वाई, जो अपने नॉर्मली ग्राफ में करते थे, एक्स में वाई कितना है, फिर एक्स टू में वाई टू कितना है, ऐसे करके देन वी ड्रॉ लाइन, उसी को क्या बोलता है, लाइन डायग्राम. Representing the time series at the point time t in the t minus yt plane, the plotted points are then joined successfully by line segments and resulting the chart is known as line diagram. So write down, so or you can underline it. Line diagram is preferred when the data is varying over time. Values of x and y are plotted. Values of x and y are plotted. And then the plotted points are joined successfully. ठीक है, when values are not taken but logarithmic values of the variables are taken, it is called ratio chart. Write down, when we consider log x instead of x, it is known as logarithmic or ratio chart. When we consider log x in place of x, when we consider log x in place of x, then it is known as logarithmic or ratio chart. Logarithmic or ratio chart. Logarithmic or ratio chart. Clear? Next, for two or more related time series data, for two or more time series data, वहां से दो एरो निकलेगा, एक सेम यूनिट एक डिफरेंट यूनिट, एक सेम यूनिट एक डिफरेंट यूनिट. फॉर टू और मोर रिलेटेड टाइम सीरीज डेटा, वहां से दो एरो निकलेगा, एक सेम यूनिट एक डिफरेंट यूनिट. सेम यूनिट में वी यूज मल्टीपल लाइन चार्ट, सेम यूनिट में वी यूज मल्टीपल लाइन चार्ट, सेम यूनिट में वी यूज मल्टीपल लाइन चार्ट, एंड डिफरेंट यूनिट्स में विल राइट मल्टीपल एक्सिस चार्ट. सेम यूनिट में वी राइट मल्टीपल लाइन चार्ट. आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जब रन रेट का कंपेरिजन दिखाता है ऑफ टू टीम्स, रन रेट कंपेरिजन ऑफ टू टीम्स मल्टीपल लाइन चार्ट, रन रेट कंपेरिजन ऑफ टू टीम्स मल्टीपल लाइन चार्ट, और डिफरेंट यूनिट्स रहता है तो मल्टीपल एक्सिस चार्ट, डिफरेंट यूनिट्स रहता है तो मल्टीपल एक्सिस चार्ट. ठीक है, बार डायग्राम क्या होता है, बेसिकली वी कंपेयर इन दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, वी कंपेयर द क्वालिटेटिव डेटा एंड द क्वांटिटेटिव डेटा. से फॉर एग्जाम्पल 1990 में मेल फीमेल कितने थे, तो वी शो इट विद द हेल्प ऑफ बार डायग्राम. दैट इज, इट हेल्प्स अस इन कंपैरिजन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा अलॉन्ग विद क्वांटिटेटिव डेटा. देर आर टू टाइप्स ऑफ बार डायग्राम, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम एंड वर्टिकल बार डायग्राम. वाइल हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम इज यूज फॉर क्वालिटेटिव डेटा और डेटा वेरिंग ओवर स्पेस, द वर्टिकल बार डायग्राम इज एसोसिएटेड विद क्वांटिटेटिव डेटा और टाइम सीरीज डेटा. तो हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम हम लोग क्वालिटेटिव डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए देखते हैं, और क्वांटिटेटिव के लिए क्या यूज करते हैं, वर्टिकल बार डायग्राम. ठीक है, ध्यान रखने वाला बात यह है कि जो बार बनाएंगे अपने, वो रेक्टेंगल शेप का होना चाहिए, और द स्पेस बिटवीन द बार दैट शुड बी इक्वल, स्पेस बिटवीन द बार्स दैट शुड बी इक्वल, सो दैट वी आर एबल टू मेक कंपैरिजन. अगर आप एक बार का साइज मान लीजिए एक सेंटीमीटर का बना रहे, दूसरा दो सेंटीमीटर बना रहे, तो उसमें कंपैरिजन अच्छे से नहीं हो पाएगा. इसीलिए जो भी आप बार बनाओगे दैट शुड बी ऑफ इक्वल लेंथ, एंड देयर शुड बी रीजनेबल स्पेस बिटवीन द टू, सो दैट वी कैन प्रिपेयर अ कंपैरिजन. वी ऑल्सो यूज मल्टीपल अ ग्रुप बार डायग्राम्स टू कंपेयर रिलेटेड सीरीज.
multiple or grouped bar diagrams to compare related series, component or subdivided bar graphs, component or subdivided bar graphs. जैसे कि फर्स्ट ईयर में देर आर 3000 स्टूडेंट्स, उसमें से 2200 बच्चे मॉर्निंग में है, 500 बच्चे आफ्टरनून में, 300 बच्चे इवनिंग में है, तो एक में 3000 अपने ऐसे बड़ा सा बना, उसमें से अपने कट करके, दैट इज कॉम्पोनेंट बार चार्ट. जब एक ही बार में यू शो डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स, ठीक है. देख सकते हैं पहला इलस्ट्रेशन जो दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है अपना, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर एक्स एक्सिस. दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस, ये हम लोग का वाई एक्सिस रहता है. एक्स एक्सिस में हम लोग टाइम मेजर कर रहे हैं, वाई एक्सिस में हम प्रॉफिट मेजर कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं, देन वी आर ज्वाइनिंग दोज पॉइंट्स. क्लियर? हाँ. नेक्स्ट, सेम थिंग वी कैन रिप्रेजेंट इन अ बार ग्राफ इन दिस मैनर. सेम थिंग ये यहाँ पे टच होगा, ठीक है, डायग्रामेटिक इशू है थोड़ा सा. लाइन में प्लॉट करके ज्वाइन करना पड़ता है, यहाँ पे बार बनाना पड़ता है. तो क्या कंपेयर कर सकते हैं कि फ्रॉम 2009 टू 2011, इससे अगर हम लोग कमेंट करने बोला जाएगा तो क्या कमेंट करेंगे कि 2009 से 2011 में क्या कंपेयर किया. 2009 से देर वॉज अ शूट बट देन अ कंसिडरेबल ग्रोथ, अगेन देर वॉज अ डाउनफॉल इन 2012. तो यहाँ पर हमको रीजन चाहिएगा कि ये डाउनफॉल क्यों आया. बट आफ्टर दैट द कंपनी हैज अ वेरी स्टेडी ग्रोथ. दिस इज कॉल्ड कमेंट, कंक्लूजन फ्रॉम द फॉलोइंग बार डायग्राम, ठीक है. बट ये अगर आपको मैं एक नॉर्मल पैराग्राफ में बोलता या टेबल में देता तो आप इस टाइप का ट्रेंड उतना इजीली कैप्चर नहीं कर पाते. बट यही अगर डायग्रामेटिक वे में एक्सप्लेन किया जाएगा तो आपको देख के समझ में आ रहा है कि जब 2009 से 2010 में गए, वी हैड अ नॉर्मल एबनॉर्मल ग्रोथ, उसके बाद देर वॉज अ नॉर्मल ग्रोथ, बट आफ्टर दैट देर वॉज अ डाउनफॉल विच वॉज वेरी स्टीप, एंड बट देन वी हैड अ वेरी गुड ग्रोथ, देन अ स्टेडी ग्रोथ, अगेन अ शूट. तो इसका रीजन क्या था, इसका रीजन क्या था, दोनों में क्या कंपैरिजन था, देख सकते हैं आप यहाँ पर. अगर मैं प्रैक्टिकली आपको शो करूँगा तो तीन जगह ऐसा है जहाँ पर वी हैड अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रोथ. तो 2014 से 2015 में जो ग्रोथ हुआ दैट वाज द हाईएस्ट, तो व्हाट वर द फैक्टर्स. एंड 2009 से 2010 में, 2012 से 2013 में, 2014 से 2015 में जो ग्रोथ हुआ, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन है दैट वी शुड कीप ईच एंड एवरी ईयर. नेक्स्ट, वर्टिकल बार डायग्राम दिखाने बोल रहा है, देख लीजिए. ये लाइन डायग्राम हो गया आपका, वर्ड कंपैरिजन कर रहा है ना, दो है, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस है, ठीक है. तो इसको मान लो व्हीट मान ले रहे हैं, तो ये मेरा राइस हो गया. तो हम लोग क्या दिखा सकते हैं इसमें, क्या बोल सकते हैं हम लोग इसमें कि राइस का प्रोडक्शन इज मोर देन व्हीट. जहां पर आपका व्हीट का प्रोडक्शन इज स्टेइंग कांस्टेंट, वहीं पर राइस का प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर, ठीक है. दिस इज मल्टीपल लाइन डायग्राम एंड दिस इज वर्टिकल मतलब मल्टीपल बार डायग्राम बोल सकते हैं इसको. अपने देख सकते हैं आप, ये व्हीट के लिए है, ये राइस के लिए. ठीक है ना? हाँ. बट अगर आप देखेंगे तो आपको क्या लग रहा है, किसमें ज्यादा ग्रोथ हुआ है, किसमें ज्यादा ग्रोथ हुआ है? सर देखिए, ग्रोथ दोनों में कॉमन है. ये देखिए, ये यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां देखिए, तो ऑब्वियसली इस पोर्शन में ग्रोथ ज्यादा है. लेकिन यहां पर भी ग्रोथ था बट सिर्फ एक साल में ग्रोथ दिखा नहीं. एक चीज समझो, 100 से 110 और 50 से 55, तो लेंथ किस में ज्यादा इंक्रीज करेगा? 100 से 110 में, तो बाई एब्सोल्यूट, जब आप एब्सोल्यूट कंपैरिजन कर रहे हो,
आपको यहाँ का ग्रोथ बहुत ज़्यादा लगेगा, बट अगर रिलेटिवली कंपेयर करोगे तो दोनों का ग्रोथ बराबर है, क्योंकि ये 25 से 30 हुआ है। 25 से 30 का मतलब कितना परसेंट ग्रोथ हुआ? 20% का ग्रोथ हुआ। ये 12 से 15 हुआ है तो 25% का ग्रोथ हो गया ना। तो एब्सोल्युटली कंपेयर करोगे तो आपको लग रहा है कि राइस का ग्रोथ इज वेरी गुड, बट व्हेन यू कम टू रिलेटिव कंपैरिजन यू विल फाइंड दैट नो 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 नो, वीट हैज ग्रोन, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वीट हैज ग्रोन मोर इन कंपेयर टू परसेंटेज ऑफ वीट ऑफ राइस प्रोडक्शन। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू कंपेयर वी विल नेवर सी द एब्सोल्यूट कंपेरिजन, वी ऑलवेज सी द रिलेटिव कंपेरिजन। ठीक है, नेक्स्ट अप इज पाई चार्ट। पाई चार्ट में क्या होता है? पाई चार्ट में क्या होता है बताओ? पाई चार्ट में क्या होता है? पाई चार्ट का और एक नाम क्या है? पाई चार्ट का और एक नाम क्या है? डिवाइडेड बार चार्ट। पाई चार्ट का एक नाम और क्या है? डिवाइडेड बार चार्ट। यहां पर इंडिविजुअल वैल्यू दिया हुआ है, इस इंडिविजुअल वैल्यू का टोटल कर लो। इंडिविजुअल टोटल करके हम लोग एक एक सेक्टर का परसेंटेज निकाल लेंगे, उस परसेंटेज से हम लोग को डिग्री मिल जाएगा। बिकॉज एक पाई क्या रिप्रेजेंट करता है? एक सर्कल। केक दिखा ना, केक, एक केक को काटते अपने, काट के पीसेस करते, मेरे जैसे को डबल पीस मिलता है, क्यों? साइज देख करके। ठीक है, लेकिन कोई इसके जैसा होगा तो इसको आधा मिलेगा, कि उसका साइज मेरे से कितना है? कम है। तो अपने ये बेस्ट क्या है? हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर अगर आपको निकालना हो ना, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर या एक बैट्समैन का इनिंग्स अगर आपको देखना हो तो हम लोग किस में देखते हैं? पाई चार्ट में तो देखते हैं। देखना, वैगन व्हील बोल के एक चीज होता है क्रिकेट में, उसमें क्या करता है? एक पाई को तोड़ देता है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, ऑफ साइड, ऑन साइड, ऑफ स्क्वायर, ऑन स्क्वायर, ऐसे करके। ठीक है, तो उसमें क्या दिखाता है? एक बैट्समैन उसमें कितना परसेंटेज रन स्कोर किया। मान लो अगर मेरे को ये क्रिकेट का, अगर मान लो पिच होता है, ठीक है, इसको ब्रेक करता है, दिखा रहा है आपको कि इस एरिया में बहुत आपने रन स्कोर किया है, तो अगले मैच में जब आप बैटिंग करने आओगे यहां पर ज्यादा फील्डर रहेगा। इट शोज दैट द बैट्समैन इज स्ट्रांग टुवर्ड्स द पॉइंट, टुवर्ड्स द स्क्वायर ऑफ द विकेट। सिमिलरली जब मैं घर का खर्चा कैसे पाई चार्ट बनाऊंगा, ठीक है, अ चंक ऑफ द पोर्शन विल कम इन एग्री ग्रोसरी एंड शॉपिंग। इसका मतलब बाकी मेरा खर्चा नहीं हो रहा है, मेरा मेजर खर्चा कहाँ हो रहा है? ग्रोसरी एंड शॉपिंग में। तो मेरे को कंट्रोल कहाँ लाना है? ग्रोसरी एंड शॉपिंग में लाना है। ठीक है, वैसे ही आप भी अपना टाइम का भी कर सकते हो। आप 24 घंटा का एक पाई चार्ट बनाओ अपने टाइम का, उसमें देखेगा आप लोग 16 आवर्स स्लीपिंग। इसका मतलब 66.67% ऑफ द सर्कल इज स्पेंट ऑन स्लीपिंग, राइट, एंड 2 आवर्स ऑन स्टडिंग। सो आपको कहाँ इंप्रूवमेंट लाना है? फॉर स्टूडेंट लाइक ईशा, कहाँ आपको इंप्रूवमेंट लाना है? स्लीपिंग वाला परसेंटेज निकाल कर आपको कहाँ देना है? स्टडिंग में देना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग ऐसे पहले टोटल करते हैं, फिर डिग्री निकालते हैं। फॉर्मूला क्या? इंडिविजुअल बाई टोटल इंटू 360 डिग्री। वाई 360 डिग्री? बिकॉज अ पाई इज रिप्रेजेंटेड बाई अ सर्कल एंड सर्कल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिग्रीज? 360 डिग्रीज। ठीक है ना, फिर ऐसे हम लोग इसको दिखाएंगे, अलग अलग मार्किंग कर देंगे ताकि समझ में आ जाएगा कि एक्साइज इतना है, आईटी इतना है, कस्टम इतना है, सीटी इतना है, मिसलेनियस इतना है। क्लियर? जैसे यहाँ पर मिसिंग है, आप लोग यहाँ पे लिखेंगे कस्टम्स का कितना है? 53% विच इज़ कस्टम, ये वाला। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ऐसे 53%, लिख लीजिए बुक में भी 53% ऐसे लिखेंगे आप। आईटी कौन सा है? डैश डैश वाला आईटी है ना, तो आईटी का कितना आ रहा है? 107%। तो यहाँ आप लिखेंगे 107%। फिर आपका कॉरपोरेट टैक्स दैट सी टी कितना आ रहा है आपका? 50%। तो यहाँ आप लिखेंगे 50%। मिसलिनियस कितना? 23। तो यहाँ लिखेंगे 23%, और बाकी आपका है 127%। तो ये आपको आपके डायग्राम में ऐसे रिप्रेजेंट करना है ताकि और ट्रांसपेरेंसी आ जाए कि कौन सा सेक्टर में मेरा रेवेन्यू इज मैक्सिमम। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में? मैं बोलूंगा ऋतिक मेल, सागनिक मेल, मनीषा फीमेल, ये क्या है? पैराग्राफ फॉर्म हो गया। अब मेरे को क्वांटिटेटिव डेटा चाहिए,
तो मैं क्या करूंगा, मेल फीमेल बनाऊंगा, ठीक है, आई विल मेक इट लाइक दिस, मेल एंड फीमेल, मैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूं, तुम्हारा नाम क्या है, रचित, मेल, एक लाइन टान दिया, अखिल, मेल, एक लाइन टान दिया, ऋतिक, मेल, एक लाइन टान दिया, मेल, एक लाइन टान दिया, क्या मेल, तो ऐसे क्रॉस कर देंगे हम लोग, ठीक है। क्रॉस करने का मतलब क्या हुआ, ये रूल है, इसको टैली मार्क्स बोलते हैं, वेन एवर वी काउंट, हम लोग 1 2 3 4 एंड देन 5 में वी कॉल अ क्रॉस, ठीक है। फिर यश, ठीक है, अब वहाँ पे सुष्मिता, मनीषा, ईशा एंड रेस्ट आई एम नॉट फॉलोइंग, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा, लास्ट में हमारे विकास जी भी है तो हम लोग इसको विकास जी को ले लेते हैं, ठीक है, एक्सक्लूडिंग मी, ठीक है। तो अब और इजी हो गया कि देर आर 7 मेल एंड 3 फीमेल, तो बेसिकली दिस वी हैव टू लर्न इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर, एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेक्शन, फ्रीक्वेंसी डेटा ऑकर व्हेन वी क्लासिफाई स्टैटिस्टिकल डेटा इन रेस्पेक्ट ऑफ आइदर अ वेरिएबल और एन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट सर्टेन काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मे बी डिफाइंड एज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा यूजुअली इन असेंडिंग ऑर्डर रिलेटिव टू अ मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल वैल्यू और अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो जब इंडिविजुअल वैल्यू आ रहा है वी कॉल इट अ सिंपल डेटा और अ डिस्क्रीट डेटा, बट जब एक ग्रुप ऑफ वैल्यूज आ रहा है वी कॉल इट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इंटरवल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक अंडर द स्टडी, इन केस द कैरेक्टरिस्टिक अंडर कंसिडरेशन इज एन एट्रीब्यूट से नेशनलिटी, देन द टैबुलेशन इज मेड बाई अलॉटिंग न्यूमेरिकल फिगर्स टू डिफरेंट क्लासेज, द एट्रीब्यूट मे बिलोंग लाइक इन दिस इलस्ट्रेशन काउंटिंग द नंबर ऑफ इंडियन, ब्रिटिश, फ्रेंच, जर्मन एंड सो ऑन, द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स डिवाइडेड इन टू अ नंबर ऑफ कैटेगरीज और क्लासेज विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हुआ, अगर कोई इंडियन है तो वो क्या नहीं हो सकता जर्मन, अगर कोई जर्मन है तो वो क्या नहीं हो सकता इंडियन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दोनों एक साथ नहीं ऑकर करेगा। The figure corresponding to a particular class signifying the number of times or how frequently a particular class occurs is known as frequency of that class. Very important. The figure corresponding to a particular class signifying the number of times or how frequently a particular class occurs is known as frequency of that class. In a layman terms, frequency ka matlab kya hota hai? In a layman's voice, frequency ka matlab kya hota hai? Number of times a particular thing is occurring. Thus, the number of Indians as found from the given data signifies the frequency of the Indians. So, frequency distribution is a statistical table that distributes the total frequency to a number of classes. Write down this. Frequency distribution is a statistical table that distributes the total frequency to a number of classes. Next, when tabulation is done in respect of a discrete random variable, it is known as discrete or ungrouped or simple frequency distribution. ठीक है, तो बीच में heading दो tabulation, उससे दो arrow निकालो, बीच में heading दो tabulation, उससे दो arrow निकालो, पहला arrow में लिखेगा discrete रैंडम वेरिएबल, बीच में लिखो टैब्यूलेशन, उससे दो एरो निकालो, बीच में लिखो टैब्यूलेशन, उससे दो एरो निकालो, पहला वाला में लिखेगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, पहला वाला में लिखेगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और दूसरे वाले में लिखेगा कंटिन्यूअस वेरिएबल, दो एरो निकालो टैब्यूलेशन से, टैब्यूलेशन लिख के दो एरो निकालो, एक में क्या लिखेगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और दूसरे वाले में लिखेगा टैब्यूलेशन, ठीक है। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के नीचे लिखेंगे आप लोग क्या, उसको क्या बोलते हैं अपने, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्लिक अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्लिक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इस तीन नाम से उनको बुला सकते हैं हम लोग, डिस्क्रीट ऑब्लिक अनग्रुप्ड ऑब्लिक सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट
oblique ungrouped oblique simple frequency distribution. Done. इधर वाले में क्या लिखेंगे आप? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. एग्जांपल भी लिखेंगे. नंबर ऑफ कार एक्सीडेंट्स इन दिल्ली डिस्क्रीट वाले में. नंबर ऑफ कार एक्सीडेंट्स इन दिल्ली इन अ ईयर मंथ वाइज. नंबर ऑफ कार एक्सीडेंट्स इन दिल्ली in a year month wise. ठीक है. Let us not make our class thrown to a particular college. मेरे को लगता है जो भी बनाया हुआ बुक वो हो सकता है इस कॉलेज से पढ़ा हुआ हो. विल राइट कंटिन्यूस में एग्जाम्पल हाइट्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलेज. हाइट्स ऑफ द स्टूडेंट्स of a particular college. It's an example of group frequency distribution. It is an example of grouped frequency distribution. It is an example of grouped frequency distribution. ठीक है. चलो अब हम लोग क्या करेंगे, एक B बनाएंगे. इस क्वेश्चन में तो दो ही है, एक B और G है ना. एक बी और जी है. तुम स्टार्टिंग से मेरे को बोलेगा पहला पहले पहला रो, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो. ठीक है. पहला वाला क्या है? बॉय. फिर क्या है? गर्ल. गर्ल फिर क्या है? मतलब ये फिर गर्ल गर्ल बॉय है. फिर क्या है? गर्ल गर्ल फिर बॉय बॉय. एक सेकंड. पहला वाला बॉय था, फिर गर्ल गर्ल था, फिर बॉय, फिर गर्ल गर्ल, फिर बॉय बॉय, फिर गर्ल, फिर गर्ल. एक रो कंप्लीट. फिर गर्ल गर्ल, फिर बॉय बॉय बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय. दो रो कंप्लीट. नेक्स्ट बॉय बॉय गर्ल, बॉय बॉय बॉय, उसके बाद गर्ल गर्ल बॉय गर्ल. तो क्या समझ में आ रहा है? देर आर 16 बॉयज एंड 14 गर्ल्स. क्या समझ में आ रहा है? देर आर 16 बॉयज एंड 14 गर्ल्स. देखते हैं हम लोग आंसर राइट है क्या. देख लीजिए, देर आर 16 बॉयज एंड 14 गर्ल्स. ठीक है. दिस इज हाउ वी कैलकुलेट व्हाट? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट अप इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ वेरिएबल. दैट इज ये तो एट्रीब्यूट का अपने ऐसे है, तो काउंट भी तो कर सकते थे अपने इसको कि सारे बॉयज को सर्कल कर लो, सारे बॉयज को सर्कल कर लो, सारे बॉयज को सर्कल कर लो. नाउ काउंट द नंबर ऑफ सर्कल्स. तो 16 बॉयज आता, बाकी जो बच गया वो क्या है? गर्ल्स है. तो एट्रीब्यूट के केस में ये वाला करना जरूरी नहीं है. एट्रीब्यूट के केस में ये वाला करना जरूरी नहीं है. ये जरूरी कब बन जाता है? जब आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने बोलेगा फॉर अ वेरिएबल. ठीक है. अब आप देखो यहां पर फर्स्ट 30 पेजेस में कितना मिस्टेक है वो बताया गया है. ठीक है. फर्स्ट 30 पेजेस ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स बुक में कितना मिस्टेक है वो बताया गया है. ठीक है. तो मिनिमम मिस्टेक कितना है? जीरो. ठीक है. यू हैव टू हाईलाइट those variable which are occurring. तो जीरो है, वन है, थ्री है, टू है, फाइव है, सिक्स है, फोर है, और कुछ है? नहीं है. तो हम लोग क्या करेंगे? एक वेरिएबल का कॉलम बनाएंगे. उसमें क्या लिखेंगे? जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स. यहां लिखते हैं टैली मार्क्स. क्या लिखते हैं यहां पर? टैली मार्क्स. अब मेरे को आप बताओ पहला वाला क्या है? जीरो. फिर उसके बाद एक सेकेंड. फिर फोर है. फिर
काट देंगे जीरो को, नेक्स्ट। एक सेकेंड, वन के बाद, हाँ हो गया। तो मेरा फ्रीक्वेंसी क्या बना, फाइव फाइव सिक्स सिक्स फोर टू टू, टोटल मार 30 आया। इसका मतलब तूने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया वो सही किया। इस प्रोसेस से करेंगे तो टाइम भी कम लगेगा और आंसर भी एक्यूरेट निकलेगा। इफ यू फॉलो टैली मार्क्स योर आंसर विल बी एक्यूरेट। ठीक है, चलिए लेट अस सी हम लोग का आंसर सही आया क्या। दारुण। ठीक है, नेक्स्ट अप इज द वेट्स। ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल, लास्ट वन वॉज द एग्जाम्पल, वहां लिख लो 14.5 में। इट इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, 14.5 में लिख लो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। 14.4 में क्या लिखेगा, क्वालिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। 14.4 में क्वालिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। 14.6 में लिखेंगे, 14.6 में लिखेंगे कंटिन्यूअस वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ क्लास लेंथ एस फाइव का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय क्लास लेंथ एस फाइव, मतलब जो गैप होगा फ्रॉम द इन बिटवीन द लिमिट दैट शुड बी फाइव। तो आप लिखेंगे स्टेप वन फाइंड आउट द रेंज, स्टेप वन फाइंड आउट द रेंज, स्टेप वन फाइंड आउट द रेंज, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट वैल्यू एंड द लोअर वैल्यू। स्टेप वन फाइंड आउट द रेंज, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट वैल्यू एंड द लोअर वैल्यू, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द व्हाट, हायर वैल्यू एंड द लोअर वैल्यू। तो हम लोग के समय हायर वैल्यू कितना है, देखो तो व्हाट इज द हायर वैल्यू, हम लोग के समय हायर वैल्यू कितना है, विच रो विच कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इज द हायर वैल्यू, विच इज द लोएस्ट वैल्यू, 44 इज द लोएस्ट वेट। ठीक है, तो रेंज मेरा क्या आएगा, 73 माइनस 44 विच कम्स टू 29, 73 माइनस 44 विच कम्स टू 29। अब पांच पांच करके बनाना है, अब जब पांच पांच करके बनाना है तो क्या करें सर, पांच पांच करके बनाना है तो क्या करें, मतलब मेरे को छह क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा। लिखो स्टेप टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स टू बी मेड, फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स टू बी मेड, फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स टू बी मेड, फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स टू बी मेड। क्या फॉर्मूला है, रेंज डिवाइडेड बाई क्लास लेंथ, रेंज डिवाइडेड बाई क्लास लेंथ, रेंज डिवाइडेड बाई क्लास लेंथ, दैट इज 29/5, दैट इज 29/5, 5.8 आएगा आपका आंसर। 5.8 तो बल्कि कुछ हो नहीं सकता, दैट इज इक्वल्स टू 6, दैट इज इक्वल्स टू 6। तो हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे, 44 से स्टार्ट करेंगे, 44, 45, 46, 47, 48, तो 44 से 48, उसके बाद 49 से 53, उसके बाद 54 से 58, 59 से 63, उसके बाद 64 से 68, लास्ट में 69 से
69 से 73, ठीक है, दिस इज नोन एज क्लास इंटरवल। चलिए कॉपी में बनाइए, ये हम लोग का क्लास इंटरवल है, ये हम लोग का क्लास इंटरवल है, ये हम लोग का क्लास इंटरवल है। ये हम लोग का क्लास इंटरवल है, ठीक है। चलो स्टार्टिंग से नंबर बोलो तो मेरे को क्या क्या है। अब टैली मार्क्स बनाएंगे, अब टैली मार्क्स बनाएंगे। चलो कोई भी एक जन नंबर बोलो मेरे को क्या आएगा। यहाँ पहला वाला क्या 70, यहाँ आएगा नेक्स्ट, यहाँ आएगा नेक्स्ट 49, यहाँ आएगा नेक्स्ट, यहाँ 61, यहाँ आएगा नेक्स्ट, यहाँ आएगा नेक्स्ट 47, यहाँ आएगा नेक्स्ट 57, यहाँ आएगा 50, यहाँ आएगा 59, यहाँ आएगा अब 59, यहाँ आएगा नेक्स्ट 68, यहाँ आएगा नेक्स्ट 45, यहाँ आएगा 55, यहाँ आएगा 65, यहाँ आएगा 68, यहाँ आएगा नेक्स्ट 56, यहाँ आएगा, एक सेकेंड, क्या बोला था 56 के बाद 68, यहाँ आएगा नेक्स्ट 55, यहाँ आएगा नेक्स्ट 70, यहाँ आएगा नेक्स्ट वापस 70, यहाँ पर नेक्स्ट 57, तो ये कैंसिल हो गया 44, 69, नेक्स्ट 73, 64, नेक्स्ट 49, 63, 65, 70, 65, 62, 64, 73, 60, हाँ 60, हाँ 50, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ गया मेरा 3, 4, 5, 7, 9, 8, टोटल करो तो 36 आ रहा है। इजी है बोलने से नहीं होता, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दिस थिंग्स। सब सिली सिली मिस्टेक में गलती करके आते हैं हम लोग एग्जाम में। डन, हाँ लेट अस चेक द आंसर 3, 4, 5, 7, 9, 8, वेरी गुड, ठीक है। अब ऊपर हम लोग क्या सीखे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीखे, हम लोग क्या सीखे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इससे जितना भी टर्म्स एसोसिएटेड है लाइक क्लास लिमिट, क्लास बाउंड्री, ये सब का मतलब हम लोग समझेंगे, ठीक है। लिखिए आप लोग, क्लास लिमिट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, क्लास लिमिट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू द क्लास इंटरवल मे कंटेन। क्लास लिमिट इज द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू द क्लास इंटरवल मे कंटेन। अंडरलाइन द वर्ड मिनिमम वैल्यू, एरो देके लिखेंगे लोअर क्लास लिमिट। अंडरलाइन द वर्ड मैक्सिमम वैल्यू, एरो देके लिखेंगे अपर क्लास लिमिट। अंडरलाइन द वर्ड मिनिमम वैल्यू, अंडरलाइन द वर्ड मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू के ऊपर लिखा जाएगा वॉट लोअर क्लास लिमिट, और मैक्सिमम वैल्यू के नीचे क्या लिखा जाएगा अपर क्लास लिमिट, क्लियर है। अपार्ट फ्रॉम दैट लेट अस मूव ऑन टू क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्रीज में बी डिफाइंड एज द एक्चुअल क्लास लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवेल, ठीक है। वी हैव अ टेंडेंसी ऑफ डूइंग राउंडिंग ऑफ, राइट, हम लोग क्या करते हैं राउंडिंग ऑफ करते हैं। मेरे को बताओ 24.98 को क्या लिखते हैं अपने 25, 24.6 को 25, 24.5 को 25, तो क्या बोल रहा है। क्लास लिमिट को जनरली हम लोग बोलते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम,
बट एक्चुअल क्लास लिमिट क्लास इंटरवल का होता क्या है, क्लास बाउंड्री, इसके नीचे गिर नहीं सकता, इसके ऊपर जा नहीं सकता. लिखो, क्लास बाउंड्री इज द एक्चुअल क्लास लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल. क्लास बाउंड्री इज द एक्चुअल क्लास लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल. Majorly used for a continuous variable ठीक है. अब इसमें आपको दो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल वन when class intervals are like continuous and overlapping, when class interval are like overlapping. Example 1, when class interval are like overlapping, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40. In this cases, class boundaries coincide with class limits. In this cases, class boundaries coincide with class limits. Class boundary coincide with class limits. Next example, for non-overlapping distribution, like in the above example, 14.6, like in the above example, 14.6. Class boundary are different from class limits. Class boundaries are different from class limits. Formula copy karenge LCB and UCB ka. LCB and UCB ka formula copy karenge. LCB एंड UCB का फॉर्मूला कॉपी करेंगे और D का मतलब लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन द LCL ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल एंड UCL ऑफ द गिवन क्लास इंटरवल. D इज द डिफरेंस बिटवीन द LCL ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल एंड UCL ऑफ द गिवन क्लास इंटरवल. दिस D by 2 इज नोन एज एडजस्टमेंट फैक्टर. इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर. तो सारे लोअर क्लास लिमिट से एडजस्टमेंट फैक्टर माइनस होता है और सारे अपर क्लास लिमिट से एडजस्टमेंट फैक्टर प्लस होता है. डी इज द डिफरेंस बिटवीन द एलसीएल ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल एंड द यूसीएल ऑफ द गिवन क्लास इंटरवल एंड इज डी बाई टू को क्या बोलते हैं अपने, एडजस्टमेंट फैक्टर. ठीक है, तो हम लोग एक सम में क्या था, जी सर क्लास इंटरवल, वी नीड टू फाइंड क्लास बाउंड्री. 44 से 48 था, फिर 49 से 53 था, फिर 54 से 58 था. तो जनरली यहाँ पर डी क्या होगा, 49 माइनस 48 दैट इज 1 एंड डी बाई 2 क्या आएगा, 1 बाई 2 दैट इज 0.50. स्टेप बाय स्टेप मूव करो ताकि इन फ्यूचर अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी आएगा तो आपको डिफिकल्टी फेस नहीं करना पड़ेगा. तो 44 से 48 था, देखो डिफरेंस क्या बोला है, डी का मतलब क्या बोला है, लोअर क्लास लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल. तो जिस क्लास इंटरवल का आप क्लास बाउंड्री निकालने का सोच रहे हो उसके बाद वाले का लोअर क्लास लेना है और जिसका बात कर रहे हो उसका अपर क्लास लेना है. तो 49 माइनस 48 कितना होता है, 1. तो डी बाई 2 क्या हो गया, 1 बाई 2 दैट इज 0.5. अब सारे लोअर क्लास से क्या करना है, माइनस करना है. तो 44 माइनस 0.5 कितना होता है, 43.5. और अपर क्लास से, लोअर क्लास से माइनस अपर क्लास से. दिस हेल्प्स अस, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस हेल्प्स अस टू कन्वर्ट अ नॉन ओवरलैपिंग सीरीज इनटू अ ओवरलैपिंग
सीरीज, ठीक है? यू हैव टू राइट डाउन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस हेल्प्स अस टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर प्रोसेस हेल्प्स अस टू कन्वर्ट अ नॉन ओवरलैपिंग सीरीज टू एन ओवरलैपिंग सीरीज, टू एन ओवरलैपिंग सीरीज, टू एन ओवरलैपिंग सीरीज, टू एन ओवरलैपिंग सीरीज, टू एन ओवरलैपिंग सीरीज. क्लियर? नेक्स्ट अप इज मिड पॉइंट और मिड वैल्यू. मिड पॉइंट और मिड वैल्यू दैट इज द एवरेज ऑफ द क्लास इंटरवल और द क्लास बाउंड्री. लिख लो, इसके बगल में लिख लो इन सिंपल टर्म्स, एवरेज ऑफ द क्लास लिमिट्स और द क्लास बाउंड्री ऑफ अ गिवन क्लास इंटरवल, ऑफ अ गिवन क्लास इंटरवल, ऑफ अ गिवन क्लास इंटरवल, ऑफ अ गिवन क्लास इंटरवल. नेक्स्ट अप इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विद अ साइज ऑफ अ क्लास इंटरवल. नाउ व्हेन यू सी द डेफिनेशन व्हाट दे हैव रिटन, डिफरेंस बिटवीन द यूसीबी एंड एलसीबी ऑफ अ क्लास इंटरवल, नॉट द यूसीएल एंड एलसीएल. द मेजर मिस्टेक विच वी डू इन आवर एग्जाम्स इज वी सिंपली नो कि भाई विथ का मतलब होता है माइनस करना. तो अब एग्जाम में दो टाइप का क्वेश्चन आएगा, ओवरलैपिंग नॉन ओवरलैपिंग. तो भैया अगर आपको विथ निकालना है, अगर आपको विथ निकालना है तो पहले आप नॉन ओवरलैपिंग को किस में कन्वर्ट करो, ओवरलैपिंग में कन्वर्ट करो, एंड देन सिंपली सब्ट्रैक्ट द अपर क्लास बाउंड्री विद द लोअर क्लास बाउंड्री. ठीक है? क्या करना पड़ेगा हम लोग को, नॉन ओवरलैपिंग को ओवरलैपिंग में कन्वर्ट करना है, और फिर क्या करना है हम लोग को, या फिर डिफरेंस बिटवीन द यूसीएल एंड एलसीएल प्लस द डी. व्हाट इज डी? डिफरेंस बिटवीन द एलसीएल ऑफ द नेक्स्ट क्लास एंड यूसीएल ऑफ द गिवन क्लास. क्लियर है? तो विद निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, पहले क्लास बाउंड्री निकालेंगे, देन क्लास बाउंड्री का डिफरेंस, क्लास बाउंड्री ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास इंटरवल का डिफरेंस को क्या बोला जाता है, विद. ठीक है? वी कैन ऑल्सो से इट एज क्लास लेंथ. ठीक है? विद इज ऑल्सो नोन एज वॉट, क्लास लेंथ. नेक्स्ट अप इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ठीक है? What is cumulative frequency? Number of observations less than or equal to the class boundary, या फिर बोल सकते हैं number of observation more than or equal to of a class boundary. मतलब एक particular class boundary पे कितना लोग है अभी तक, या इस particular class boundary से कितने लोग और है. देखो मेरा बोलने का मतलब है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो निकलता है वो दो टाइप से निकलता है, एक तुम्हारा लेस देन टाइप होता है और दूसरा तुम्हारा मोर देन टाइप होता है. एक क्या होता है, लेस देन टाइप होता है, एक मोर देन टाइप होता है. जब हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप निकालते हैं वो क्या बताता है हम लोग को कि इस पर्टिकुलर क्लास बाउंड्री तक इतना नंबर है. मोर देन टाइप क्या बताता है, इस पर्टिकुलर क्लास बाउंड्री से इतना नंबर है. देयर इज अ डिफरेंस वेदर वी वॉन्ट अप टू वैल्यूज और फ्रॉम वैल्यूज. इफ यू वॉन्ट अप टू वैल्यूज, अप टू मतलब यहां तक का वैल्यू बता, तो हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप फॉलो करेंगे. लेकिन अगर हम लोग को यहां से वैल्यू बता चाहिए तो मोर देन टाइप. ठीक है? तो कॉपी में हेडिंग देंगे आप लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉपी में हेडिंग देंगे आप लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वहां से आप दो एरो निकालेंगे, लेस देन टाइप मोर देन टाइप, 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 लेस देन टाइप में आप क्या लिखेंगे, यहां तक का वैल्यू,
लेस देन टाइप में आप क्या लिखेंगे, यहां तक का वैल्यू, यहां तक का वैल्यू। एंड मोर देन टाइप में आप क्या लिखेंगे, यहां से कितना वैल्यू है, यहां से कितना नंबर है, यहां से कितना नंबर है, यहां से कितना नंबर है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो, फाइंड पहला वाला में, ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैज स्कोर्ड 40% और लेस, फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैज स्कोर्ड 40% और लेस। तो इस टाइप का प्रॉब्लम के लिए क्या निकालना पड़ेगा हम लोग, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप। यहां पे एग्जांपल लिखूं, फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मोर देन टाइप में एग्जांपल लिखो, फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैज स्कोर्ड 80% और मोर, हु हैज स्कोर्ड 80% और मोर। तो यहां पर आपको क्या चाहिएगा, मोर देन टाइप वाला वैल्यू चाहिएगा। ठीक है ना, क्लियर, देख सकते हैं आप, दिस इज व्हाट क्लास बाउंड्रीज, क्यों 43.5 क्यों लिए, 43.5 क्यों लिए। चलिए आप लोग क्वेश्चन लिखिए, पहले क्वेश्चन लिखिए आप लोग, क्वेश्चन था क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन था क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। क्लास इंटरवल क्या था, 44 से 48, 49 से 53, 54 से 58, 59 से 63, 64 से 68, 69 से 73, 3, 5, 7, यही था ना, क्या और कुछ था, क्या था, देखो तो वैल्यूज, क्या वैल्यूज था, हम लोग लास्ट में जो फ्रीक्वेंसी निकाले थे उसका, 3 के बाद 4, 3, 4, 5, 7, 9, 8। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अब जब भी आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, उसका टेबल स्टार्ट होगा विद द मिनिमम क्लास बाउंड्री एंड इट विल एंड विद द मैक्सिमम क्लास बाउंड्री। ठीक है, आप टेबल का मतलब समझो, जब भी आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे, इट विल स्टार्ट विद द मिनिमम क्लास बाउंड्री एंड इट विल एंड विद द मैक्सिमम क्लास बाउंड्री। ये मिनिमम क्लास बाउंड्री का क्या चक्कर है, इसके नीचे जा नहीं सकता, और मैक्सिमम क्लास बाउंड्री का मतलब क्या है, इसके ऊपर हो नहीं सकता, क्योंकि मेरा रेंज यही है। अब ये मिनिमम क्लास बाउंड्री का मतलब क्या होता है, इसके नीचे तो कोई बच्चा होगा ही नहीं, ये तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। लेस देन का मतलब क्या होता है, इसके नीचे, यहां से नहीं, लेस देन का मतलब होता है 43.5 से नीचे। बेटा स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे तो कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए यहां पर वैल्यू क्या है, जीरो। अब 48.5 से नीचे मतलब पहला क्लास इंटरवल, 48.5 से नीचे मतलब पहला क्लास इंटरवल। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे आंसर क्या आया है, 3। 53.5 के नीचे का मतलब पहला वाला क्लास इंटरवल प्लस दूसरा वाला क्लास इंटरवल। एक चलो गेम खेलते हैं, क्लास में ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मैं दिखा नहीं सकता, बट आप समझो, इमेजिन करो, अगर मैं एक क्लासरूम में ये बोल रहा हूं, हाउ मैनी हैव यू स्कोर्ड 95% और मोर, प्लीज स्टैंड अप। अरे ऐसे ही खड़ा हो जाओ एक बार। जब मैं ये बोल रहा हूं, हाउ मैनी यू हैव यू स्कोर्ड 95% और मोर, से फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा खड़ा हो गया, इसका मतलब क्या कि 95% या ज्यादा इसका आया है। ठीक है, ध्यान से सुनना, हाउ मैनी हैव यू स्कोर्ड 80% और मोर, हाउ मैनी यू हैव यू स्कोर्ड 80% और
मोर हाउ मेनी यू हैव यू स्कोर 80% और मोर. अब जिसको मैं ये बोल रहा हूं 80% और मोर वाला बात, सुन लो ध्यान से मेरा बात, जिसको मैं ये बोल रहा हूँ 80% और मोर वाला बात, अगर ये बच्चा थोड़ा भी ढंग का पढ़ा है, मतलब पढ़ा लिखा है, तो वो बैठेगा नहीं. 80-95% और मोर का मतलब क्या होता है? 95 या उससे ज़्यादा. जब मैं ये बोल रहा हूँ 80% और मोर, इट ऑल्सो इंक्लूड 95, तो दो बच्चा और खड़ा हो जाएगा. खड़ा हो जाओ दो बच्चा, ठीक है. तो वी सी दैट when I am going backwards, like how many of you scored less than 95, बहुत सारा बच्चा खड़ा हो गया. how many of you scored less than 85, बहुत सारा बच्चा बैठ गया. इसका मतलब क्या? जब आप less than approach से आगे बढ़ोगे, मतलब I was moving from the end point, if I say how many of you scored less than 40%, एक बच्चा खड़ा हुआ. how many of you scored less than 50%, तीन बच्चा खड़ा हुआ उस एक बच्चा को लेकर के. जब लेस देन अप्रोच से बढ़ रहे हो, स्टूडेंट्स विल इंक्रीज. जब आप मोर देन अप्रोच से बढ़ोगे, स्टूडेंट्स विल डिक्रीज. सो यहां पर भी वही हो रहा है. जब हम लेस देन अप्रोच से बढ़ रहे हैं, वी आर एडिंग वैल्यूज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. जब मैं लेस देन अप्रोच से बढ़ रहा हूं, वी आर एडिंग वैल्यूज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. और जब मैं मोर देन अप्रोच से बढ़ रहा है, वी आर एडिंग वैल्यूज फ्रॉम बॉटम टू टॉप. इसका मतलब लेस देन टाइप में ऊपर से नीचे एडिशन करना है, और मोर देन टाइप में नीचे से ऊपर एडिशन करना है. क्लियर? कंप्लीट दिस. खुद से बनाने का कोशिश करो. पहला वाला में लेस देन 43 कुछ भी नहीं होगा. क्यों सर? स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे होगा क्या? और लास्ट में यहां देखो, यहां पर भी जीरो है. मैक्सिमम पॉइंट्स ऊपर भी कुछ नहीं होगा. क्यों? मेरा रेंज ऑफ स्टडी क्या है? 43.5 से 73.5. चलिए फटाफट करिए. डन. नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लो. इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी बाय क्लास लेंथ. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला लिखो. फ्रीक्वेंसी बाय क्लास लेंथ या क्लास विद लिख लो, बेटर होगा. फ्रीक्वेंसी बाय क्लास विद. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है क्लास फ्रीक्वेंसी बाय टोटल फ्रीक्वेंसी.
रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है क्लास फ्रीक्वेंसी बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है क्लास फ्रीक्वेंसी बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है क्लास फ्रीक्वेंसी बाय टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 100। क्लास फ्रीक्वेंसी बाय टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 100। सो हम लोग बोल सकते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को जब परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाएगा दैट इज परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। व्हेन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, व्हेन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, व्हेन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट इज नोन एज व्हाट? परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल विल बी 1 एंड परसेंटेज फ्रीक्वेंसी टोटल विल बी 100। पूछता है लिखो, टोटल ऑफ ऑल द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1, टोटल ऑफ ऑल द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1, ब्रैकेट में यूनिटी, वेयर एज द टोटल ऑफ परसेंटेज फ्रीक्वेंसीज एड अप टू 100। वेयर एज द टोटल ऑफ परसेंटेज फ्रीक्वेंसीज एड अप टू 100, एड अप टू 100। क्लियर? नेक्स्ट अप, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वी नीड टू लर्न थ्री काइंड्स, दैट इज हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड देन लास्ट में ओजाइव। व्हाट इज हिस्टोग्राम? फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्टोग्राम इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? एरिया डायग्राम। ठीक है, एंड इट गिव्स एन आइडिया ऑफ द फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ द वेरिएबल अंडर स्टडी, एंड वी कैन ऑल्सो ऑब्टेन स्टैटिस्टिकल मेजर वाया यूजिंग हिस्टोग्राम, दैट इज मोड। सो व्हेन यू आर मेकिंग ब्रीफ नोट अबाउट हिस्टोग्राम, व्हाट यू शुड राइट, राइट डाउन, हिस्टोग्राम इज ऑल्सो नोन एज एरिया डायग्राम। हिस्टोग्राम इज ऑल्सो नोन एज एरिया डायग्राम। स्टैटिस्टिकल मेजर लाइक मोड, स्टैटिस्टिकल मेजर लाइक मोड कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग अ हिस्टोग्राम। स्टैटिस्टिकल मेजर लाइक मोड कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग अ हिस्टोग्राम इट हेल्प्स अस टू कंपेयर, इट हेल्प अस टू कंपेयर फ्रीक्वेंसीज फॉर डिफरेंट क्लास इंटरवेल, इट हेल्प्स अस टू कंपेयर फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट क्लास इंटरवेल। Step 1, convert class limit into class boundary. Step 1, convert the class limit into class boundary. Step 2, draw a series of adjacent rectangles. Draw a series of adjacent rectangles, ब्रैकेट में लिखो, इसका मतलब देयर विल बी नो स्पेस बिटवीन टू रेक्टेंगल्स लाइक बार डायग्राम। इसका मतलब देयर विल बी नो स्पेस बिटवीन टू रेक्टेंगल्स लाइक बार डायग्राम। कि बार डायग्राम में क्या होता है? अनलाइक बार डायग्राम लिखो, अनलाइक बार डायग्राम, नॉट लाइक, अनलाइक बार डायग्राम, यू एन जोड़ दो लाइक के पहले, अनलाइक बार डायग्राम। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करके वंस
वन अगेंस्ट ईच क्लास इंटरवल, वन अगेंस्ट ईच क्लास इंटरवल. अब रेक्टेंगल से दो एरो निकालो, रेक्टेंगल वर्ड को अंडरलाइन करके दो एरो निकालो. रेक्टेंगल में दो चीज होता है, एक होता है ब्रेथ, एक होता है लेंथ, दैट इज द हाइट. एक होता है ब्रेथ, एक होता है लेंथ. तो उसका जो ब्रेथ होता है ना, उसमें क्लास इंटरवल आएगा. जो ब्रेथ होता है उसमें आएगा क्लास इंटरवल, और जो लेंथ होता है, जो हाइट होता है, उसमें आएगा फ्रीक्वेंसी. रुक जाओ, क्या लिखा है ब्रेथ में, क्या लिख रहा है ब्रेथ में, क्या लिखा है? क्लास इंटरवल. लेंथ से दो एरो निकालो, लेंथ से दो एरो निकालेगा, लेंथ से दो एरो निकालो. एक में लिखो इक्वल क्लास साइज, एक में लिखेगा अनइक्वल क्लास साइज. इक्वल क्लास साइज, अनइक्वल क्लास साइज, इक्वल क्लास साइज, अनइक्वल क्लास साइज, इक्वल क्लास साइज, अनइक्वल क्लास साइज. इक्वल क्लास साइज के नीचे लिखेगा फ्रीक्वेंसी, इक्वल क्लास साइज के नीचे लिखेगा फ्रीक्वेंसी, इक्वल क्लास साइज के नीचे लिखेगा फ्रीक्वेंसी, और अनइक्वल क्लास साइज के नीचे लिखेगा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. इक्वल क्लास साइज के नीचे लिखेगा फ्रीक्वेंसी, अनइक्वल क्लास साइज के नीचे क्या लिखेगा? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. इक्वल क्लास साइज के नीचे लिखेगा फ्रीक्वेंसी, और अनइक्वल क्लासेस के नीचे क्या लिखेगा? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. लेट मी एक्सप्लेन यू. क्योंकि अगर अनइक्वल क्लास साइज रहेगा, अगर अनइक्वल क्लास साइज रहेगा तो हम कंपैरिजन ठीक से नहीं कर पाएंगे. टू मेक एक्यूरेट कंपैरिजन इन केस वेयर द क्लास इंटरवल आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट क्लास लेंथ, हम लोग क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट कर देते हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में, तब जो भी कंपैरिजन निकलेगा वो एक्यूरेट निकलेगा. क्लियर? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज, मतलब देखो, एक बच्चा मेरे को खड़ा होकर ये बोल सकता है यहाँ पर कि सर आप इतना फोकस क्यों कर रहे हैं डायग्राम में, डायग्राम तो एग्जाम में बनाने बोलेगा नहीं, बट बेटा ये छोटा छोटा बात से ऐसा ऐसा एमसीक्यू निकल के आएगा ना, तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा. बेस इज इक्वल टू क्लास इंटरवल, ये सब लिख देगा, लेकिन लेंथ में लिखा रहेगा ओवरलैपिंग के लिए फ्रीक्वेंसी, नॉन ओवरलैपिंग के लिए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, सी में बोथ ए एंड बी, डी में नन ऑफ द अबव. उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आपको सी मार्क करके आना पड़ेगा, बिकॉज दोनों राइट है. तो इसीलिए ये सब चीजें फोकस करना पड़ेगा, और अच्छे से सीख लेंगे एक बार तो क्या है, लाइफ लॉन्ग ही आपके काम आएगा. कल को मान लीजिए आप ऐसा कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं जहां पर मल्टीपल चॉइस मोड नहीं है, डिस्क्रिप्टिव मोड है, तो वापस से आप सेम सब्जेक्ट का वापस से क्या लर्निंग लेंगे? नहीं, ये हमारे टॉपिक में है तो आपको ये सीखना है, इन डेप्थ सीखना है, ताकि फ्यूचर में कभी भी आपको यूज आए, यू नेल इट, एंड व्हेन यू नेल इट यू टेक द नेम ऑफ वीपी. एक बार अगर हम बैठ गए ना तो किसी और को घुसने नहीं देंगे वहां पर, बस याद रखिएगा. सो देखिए, हम लोग ने जो एग्जाम्पल जो सम्स लिया, क्लास इंटरवल जो हमारा जो आज का मास्टर जो प्रॉब्लम है उसमें क्या है, देखिए हम लोग ऐसे करके बना रहे हैं. ये आपका यहाँ पर लिखिए 48.5 लिखिए, सब छोड़ दिया ये लोग, 58.5, ये 68.5, जहाँ जहाँ है ना, दिस इज द क्लास इंटरवल का जो बेस है. ये लेंथ क्या डिपिक्ट करा? फ्रीक्वेंसी. तो पहला वाला का फ्रीक्वेंसी 3 था, फिर 4, फिर 5, फिर 7, ठीक है. हाउ डू वी कैलकुलेट मोड? देखिए, जो हाईएस्ट टावर है ना, हाईएस्ट टावर, उसका जो डायगोनल बनेगा एडजेसेंट, उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, दैट इज द मोड. देखिए, हमने हाईएस्ट टावर का जो दो पॉइंट है उससे डायगोनल ड्रॉ किया है, उस डायगोनल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, उस डायगोनल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोड. क्लियर? नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. ठीक है, तो
बहुत जन को ये पता नहीं रहता कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज बेसिकली मेंट फॉर व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन, सिंगल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। राइट इट डाउन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एरो दे करके सिंगल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एरो दे करके सिंगल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप में भी यूज करेंगे प्रोवाइडेड क्लास विद इट सेम, ग्रुप में भी यूज कर सकते प्रोवाइडेड द क्लास विथ इज सेम, कैन ऑल्सो बी अप्लाइड फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइडेड द विथ ऑफ द क्लास इंटरवेल रिमेन्स द सेम। डैश इज द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। आंसर क्या होगा? अ फ्रीक्वेंसी कर्व। अ फ्रीक्वेंसी कर्व कैन बी रिगार्डेड एज द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हम लोग क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के केस में, जो मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लास इंटरवल होता है ना, उसमें फ्रीक्वेंसी को प्लॉट किया जाता है। ठीक है, बेसिकली बेसिकली द फ्रीक्वेंसी आर प्लॉटेड बेसिकली द फ्रीक्वेंसी आर प्लॉटेड एट द मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लास इंटरवेल। ओ लाइन डायग्राम बनाना है? नो 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 नो, इसका स्टार्टिंग पॉइंट will be the lower class boundary and ending point will be the highest class boundary. मतलब क्या हो रहा है लाइन डायग्राम में? तो अपने खाली जनरली प्लॉट जो लाइन्स प्लॉट कर रहे थे उसको जोड़ दे रहे थे, यहां पर वैसा नहीं होगा। लाइन डायग्राम क्या होता? ये दिस वॉज अ लाइन डायग्राम, लेकिन हमने क्या किया है, जो लोअर क्लास बाउंड्री था मेरा 43.5 उसको कनेक्ट किया हायर क्लास। दिस इज व्हाट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, लिखो, ध्यान रखना ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज अ क्लोज फिगर एज वी ज्वाइन द टू एक्सट्रीम एंड्स। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज अ क्लोज फिगर as we join the two extreme ends bole to lowest lower class boundary and highest upper class boundary, lowest lower class boundary highest upper class boundary। ठीक है, नेक्स्ट इज ओजाइव। ओजाइव्स या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो जब ओजाइव को हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बोल सकते हैं, तो हमने बोल सकते हैं देयर आर टू काइंड ऑफ ओजाइव कर्व, एक लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप। जब ओजाइव कर्व को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बोल रहे हैं ना, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ कैन बी प्रिपेयर्ड इन टू वेज, लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप। अब मेरा यहां पर एक सवाल उठता है, सर कैसे पॉसिबल है? सर बेटा पॉसिबल है, क्योंकि एक पर्टिकुलर क्लास बाउंड्री में अगर जीरो है तो वहां पे एक और वैल्यू भी है जो कि मैक्सिमम है। टेक एन एग्जांपल ऑफ द, जो हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाए थे, जाओ उसमें जाओ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो टेबल बनाए थे 43.5 में क्या था, जीरो भी था और 36 भी था। तो फॉर ईच क्लास बाउंड्री वी हैव टू पॉइंट्स, तो आप एग्जाम में ये गलती करके नहीं आएंगे। पहले आप लेस देन टाइप बनाएंगे, फिर आप मोर देन टाइप बनाएंगे, वरना आप किस टाइप का डायग्राम बना के आएंगे हमको भी नहीं पता। जो बच्चा ऐसे प्लॉटिंग करेगा, ये भी यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी, वो बच्चा ऐसे ऐसे करके डायग्राम बना के आएगा, उसको कभी जीवन में मीडियन नहीं मिलेगा। द रूल इज फर्स्ट
you plot less than type, then you plot more than type, and the intersection point of less than type and more than type will give you median. तो ऑजाइव में हम लोग क्या लिखेंगे, लिखो दो ऑजाइव कर्व होता है, पहला बात तो दो ऑजाइव कर्व होता है, लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप, लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप, लेस देन टाइप के बगल में लिखेंगे एस, एस फॉर स्वीट, एस शेप्ड, लेस देन टाइप में लिखेंगे एस शेप्ड, और मोर देन टाइप में इन्वर्टेड एस शेप्ड, इन्वर्टेड एस शेप्ड, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू ऑजाइव कर्व, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू ऑजाइव कर्व इज मीडियन, इज मीडियन, ब्रैकेट में स्टैटिस्टिकल मेजर, इज मीडियन, ब्रैकेट में स्टैटिस्टिकल मेजर, ब्रैकेट में स्टैटिस्टिकल मेजर। फर्दर एडिंग टू इट, पार्टीशन वैल्यूज लाइक फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल एक्सेट्रा, फर्दर एडिंग टू इट, पार्टीशन वैल्यूज लाइक फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल एक्सेट्रा कैन ऑल्सो बी एस्टिमेटेड, कैन ऑल्सो बी एस्टिमेटेड, कैन ऑल्सो बी एस्टिमेटेड। क्लियर?